हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं सुनीता राहुल सेठी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सुनीता सिंह पर। तो आइए दोस्तों, कर लेते हैं आज के एक ब्लॉग की स्टार्टिंग। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही दिन के 2 बजे से, और हम लोग जा रहे हैं शादी में। किसकी शादी में आप सुनोगे ना, चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे। अपने ससुर जी की शादी में जा रही हूँ। और दोस्तों, रोहित लोग हमें छोड़ के चले गए हैं, और ये है घटकू मंदिर। घटकू मंदिर तक छोड़ के गए, और उनको जाना है पिथौरागढ़। तो दादा को वहाँ से पेशेंट लाने हैं नशा मुक्ति का। तो दादा लोग चले गए पिथौरागढ़ की तरफ, और हम चले गए पैदल रास्ते में। और घर तो देखा नहीं है। हाँ, सासू माँ, मैं और डुग्गू है, तो पैदल पैदल चल देते हैं। टेंट लगा हुआ है सामने, उस हिसाब से जा रहे हैं कि कहाँ को घर होगा करके। हाँ, अम्मा से पूछ लिया है रास्ता है। अम्मा ने फिक्स बाटा बता दिया हमें, यहाँ से वहाँ को जाना करके। सिद्ध बाटो छे वाले अब पहुँच जाते हैं हम ससुर जी की। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं शादी वाले घर में, चाचा जी के घर। हाँ, और पन्नी भी नहीं मिली मेरे को, और मैं ऐसे हाथ में मिठाई का डब्बा लेके आ रही हूँ। सब लोग मजाक बनाएंगे मेरी। Thank you.
तो गाइस डांस वांस हो गया है सब लोग का। हाँ बल खा लेते हैं, कुछ पेट खाली हो गया बल इन लोग का है। मैं भी पेट पूजा कर लेती हूँ। हाँ मैं ले के आई हूँ टिक्की और खा लेते हैं। बहुत डांस हो गया ना बहुत डांस हो गया, भूख लग गई है बहुत ज्यादा। भैया शाम हो गई है, पकौड़ी चाय पकौड़ी तो हमने खा लिया है। और ये आमा ने यहाँ लगा रखा है लहसुन और वो पानी की टैंकी है। और यहाँ पर बनाया है गेट, वो गाय का गोट। और तो अभी सब लोग महिला संगीत से इधर आके यहाँ पे चाय पकौड़े वगैरह खा रहे हैं। देख रहे हो दोस्तों के पकास। कहाँ चल रहा है गाइस झोड़ा, मेरे आते आते हो गया खत्म। तो हम भी लगाए थे अपनी चाची जी को टीका। हमारी चाची जी आ गई है घर, चाची जी। और एक से मैंने कहा हमें घर पहुंचा दो करके, हाँ वो पहुंचा नहीं दे रहे। गाड़ी में तेल खत्म हो गया, बल हद हो गई भैया, नहीं लगाया अभी। तो दोस्तों फाइनली हो गई है हमारी चाचा जी की शादी और चाचा जी बहुत खुश हो रखे हैं है? और ये है आमा चाचा जी की मम्मी जो टिकट विटा कर रही है यहाँ पे। अब शाम हो गया है और हमें पैदल ही घर जाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ फिर मिलेंगे दोस्त, बाय बाय दीदी जो भी हो। किस नाम से दीदी आप? ठीक है बाय, मिलते हैं आप लोग से मिलके। बड़ी खुशी हुई और आपने बहुत अच्छा डांस किया। मैं तो दोस्तों टीका पीछे हो गए, देखो गिफ्ट हिफ्ट मिल गया, साड़ी वाड़ी झमका के ला गए हैं। काफी देखा नहीं है, घर जाके देखेंगे। और रात हो गई है चाची के लिए यही देख वाला। अब लेकिन गाड़ी एक तो ड्राइवर ने धोखा दे दिया है, देवर जी ने कह रहे हैं कि गाड़ी में तेल ही नहीं है बल। अब हमें शॉर्ट रास्ता ढूंढा है, हमने यहाँ से किसी से पूछ पाछ के सीधे यहाँ से गाड़ जाओगे बल। अब गाड़ से सीधे घर पहुंचेंगे कि कहाँ को जाते हैं। ये है बारात वाला घर हमारे ससुर जी का। भैया रात हो गई है हाँ, और ये देखो सामने अंधेरा अंधेरा सा हो गया है। ये लड़का वहां तो नहीं नाच रहा था, यहाँ पे ले फोटो ले कर रहा है। तो दोस्तों हम इस रास्ते से आ रहे थे और रास्ते में मिला हमें एक सुंदर सा घर। और इस सुंदर से घर के आगे एक सुंदर सा गार्डन दिखाती हूँ मैं आपको। इतना प्यारा बना रखा है ना, ये धूप लगाई है वाली घास इतनी मस्त लग रही है यहाँ से जाने का। दोस्तों पार भिड़न कहते अंधियार है गो हाँ हो। और अब हम लोग उनको कहते दूर जान से बतना घर जान तक नाक में डीजल उन पड़ो शायद आज। बुबू ने तो आग भी जला दी है, ठंडा होने लग गया है। हाँ बुबू बाबा आराम से। हाँ आगे देखो वही तो कह रही हूँ। ये काली गंगा को कालो पानी कह लो कह लो, छैलो छैलो हो रही है यहाँ। रुको इधर को आ, इधर को आ। गाइस हम पहुंच गए हैं ओम बारात घर में। हाँ अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, अंदर जाके खाना वाना पैक करा के ले जाते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। हाँ और देवरानी जी कहेंगी सब्जी भी क्या बनाओ, तो यहीं जाती हूँ अंदर पैक करा के ले जाऊँ क्या है। रुको
चल देते हैं। मैं कह रही हूँ यहीं से खाना पैक करा के ले जाए, घर जाके गाली भी नहीं खाएंगे और बनाने के झाड़ से भी बच जाएंगे, क्यों। तो गाइज हम सतपुली पुल में पहुंच गए हैं। हाँ सतपुली पुल नहीं है रे, चौकीगढ़ का पुल है। मैंने इसका नाम, ओ बाबा यहाँ पे और खराब कर रखा है, तेरा वहाँ हाथ पकड़ना पड़ेगा न्यू में यहाँ। तो दोस्तों चढ़ाई में चढ़ गए तो मैं आ गई हूँ। हाँ झोले भी नहीं लाए ठहरे हम लोग, क्योंकि रोहित लोग ऐसे भगा के लाए ना, मेकअप भी नहीं करने दिया, तो मेरा लड़का सिर में रख के ले जा रहा था, देख रहे हो हैं गिफ्ट। तो भैया बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिली और भाई साहब वहीं सारी से आ रहे थे तो हमें भी लेके आ गए। बस भैया रोक दो, हमारा स्टॉप आ गया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ तक लाने के लिए। तो भैया ससुर जी की शादी से तो हम पहुँच गए घर, और मैंने घर आके अपना काम भी कर लिया है क्योंकि गिफ्ट मिला ना, गिफ्ट कह रही हूँ। भैया ससुर जी की शादी अटेंड करके हम पहुँच गए घर, आज था वहाँ रिसेप्शन, तो चौकी वाले चाचा उनकी शादी थी। हेलिया मेरी बाहर मेरा वेट कर रही थी और इनको मैंने यहाँ पे रख दिया है अंदर ला के। अब जाती हूँ अंदर की तरफ, हाँ अंदर का काम कर लेते हैं। तो दोस्तों अब शादी से हम लोग आ गए हैं घर और अब बना लेते हैं खाना पीना। अभी शादी में ही है, ये अभी शादी में ही है। पुराने घर पुराने कपड़े पहन के हम यहाँ अंदर है, कितनी अच्छी है। और यहाँ पे एक बच्चा सोया है। कौन सा बच्चा है वो? तो दोस्तों बहुत थकान लग गई है क्योंकि पैदल पैदल हम लोग आ रहे थे, फिर उसके बाद मिली गाड़ी। तो अब और काम कर लेते हैं बाकी घर का। तो आज की ब्लॉग की एंडिंग कर लेते हैं यहीं। दोस्तों मिलते हैं कल को एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि। और डुगू भी करी डांस करेगा, ठीक है डुगू, बाय दोस्तों। नहीं।